नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों, MP बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए यहां पे एक लेटेस्ट अपडेट है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपका 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब तक जारी होगा। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरीके से आपको यहाँ पर रिजल्ट बनाया जा रहा है उससे अगर आप यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर दोबारा परीक्षा कब दे सकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, इस साल यहाँ पर एक स्पेशल योजना लॉन्च की गई है जिसके रिगार्डिंग दोस्तों बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, तो वो सभी डाउट दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करूँगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। और अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएगा ताकि दोस्तों आपको MP बोर्ड की सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपका 10th क्लास का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। इससे पहले दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आपका 10वीं के रिजल्ट को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी, सभी स्कूलों ने दोस्तों यहाँ पे 10 जून तक इसको कंप्लीट कर लिया। यानी कि दोस्तों आप सभी का जो 10th क्लास का रिजल्ट है इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेज दिया गया। अब दोस्तों बात करें इसके अलावा, आप सभी को पता है कि जिस तरीके से आपका 10th क्लास का रिजल्ट बन रहा है उसमें दोस्तों जो MP बोर्ड ने यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया था उसमें आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट जो कि इस साल प्राइवेट से पढ़ाई कर रहे थे उन सभी को दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम यानी कि मिनिमम 33% देके पास कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप खुद ही बताइए कि 33% की मार्कशीट से आप क्या कर लोगे। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि 33% जो मार्क्स हैं बहुत कम है, इसके अलावा जिस तरीके से आपका जो आंतरिक मूल्यांकन से जो आपका रिजल्ट बनाया जा रहा है यानी कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम, आपका जो प्री बोर्ड परीक्षा है, इसमें दोस्तों जिन भी बच्चों के यहाँ पे नंबर कम आए होंगे उनके दोस्तों यहाँ पे कम परसेंटेज बनेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि जो उनके परसेंटेज यहाँ पे काफ़ी कम है और इससे ज़्यादा उनके परसेंटेज बनने थे, तो दोस्तों इन सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों जो दोबारा एग्जाम होगा वो आपका इस साल कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। MP बोर्ड ने जो नोटिस जारी किया था उसमें यहाँ पे आपको बताया था कि अगर आप दोस्तों जो आपका रिजल्ट बन रहा है इससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो दोस्तों आप दोबारा परीक्षा अगले साल दे सकेंगे। यानी कि दोस्तों इस साल तो आप पास हो जाओगे, मिनिमम परसेंट देके आपको यहाँ पे पास कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको दोबारा परीक्षा देनी है, आपको इंप्रूवमेंट करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको अगले साल पेपर देना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए आप दोस्तों 10th क्लास के स्टूडेंट और प्राइवेट से पढ़ाई कर रहे थे, तो यहाँ पे दोस्तों जैसा MP बोर्ड के नोटिस में बताया गया कि आपको 33% देके पास कर दिया जाएगा और अगर आपको लगता है कि आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है, आपको दोबारा एग्जाम देना है, तो इस साल तो दोस्तों आप लोग 11th क्लास में एडमिशन ले लोगे क्योंकि आप पास हो चुके हो और आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। अगर आपको पसंद का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो दोस्तों कोई छोटे मोटे स्कूल में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उस सब्जेक्ट से आपको दोस्तों यहाँ पे प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप सोचोगे कि आपको इंप्रूवमेंट करना है तो दोस्तों आपको अगले साल फिर आपको दो परीक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों इस साल आप 11th क्लास में तो एडमिशन ले लोगे, तो जब अगले साल दोस्तों आप 10th क्लास के जब दोबारा पेपर दोगे तो आपको 10th क्लास के भी एग्जाम यहाँ पे देने पड़ेंगे और 11th क्लास के भी एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपकी 10वीं की जो दोबारा परीक्षा होगी वो आपकी अगले साल यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा नहीं करना और इसी साल आपको 10th क्लास का एग्जाम देना है तो दोस्तों यहाँ पे MP ओपन बोर्ड के द्वारा एक स्पेशल योजना लॉन्च की गई है जो कि रुक जाना नहीं योजना स्पेशल के नाम से लॉन्च की गई है। दोस्तों जो रुक जाना नहीं योजना है इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि ये क्या है। तो दोस्तों MP बोर्ड के जो भी स्टूडेंट जो कि 10वीं और 12वीं में यहाँ पे फेल हो जाते थे उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे रुक जा रहे योजना को चालू किया गया था और इसको दोस्तों लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, 2016 से ये चालू हुई थी। तो जो भी बच्चे MP बोर्ड के 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती थी उसमें यहाँ पे फेल हो जाते थे तो उन बच्चों को दोस्तों यहाँ पे दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता था, और अगर वे बच्चे उस विषय में जिस भी विषय में यहाँ पे फेल हुए थे रुक जा रहे योजना के माध्यम से पास हो जाते थे तो दोस्तों उनकी यहाँ तो दोस्तों उनको यहाँ पे पास की मार्कशीट दे दी जाती थी। इस तरीके से उन सभी बच्चों का यहाँ पे 1 साल बर्बाद होने से बच जाता था। तो दोस्तों इस तरीके की ये योजना है जिसको यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2016 में यहाँ पे लागू किया गया था, लेकिन इस साल दोस्तों इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव किया है और इसको यहाँ पे रुक जाना नहीं योजना स्पेशल नाम दिया है। इसके अंतर्गत जो भी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट जिनके भी दोस्तों यहाँ पे मार्क्स कम है या फिर उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे मार्क्स है दोस्तों इससे ज़्यादा यहाँ पे आने चाहिए थे, तो उन सभी के लिए दोस्तों इसी साल आपकी जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है इसको कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट दोस्तों जो कि यहाँ पे फेल हो जाएंगे या फिर जिनके मार्क्स कम है वो दोस्तों इस योजना के माध्यम से यहाँ पे पेपर दे सकेंगे और दोस्तों जो आपके पेपर इसी साल कंडक्ट कराए जाएंगे और आपको दोस्तों जो रिजल्ट है वो भी आपका इसी साल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस योजना के माध्यम से पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस योजना के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना दी, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो आपका 10वीं क्लास का रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी बहुत सारी न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि जो आपका MP बोर्ड 10वीं का रिजल्ट है ये 25 जून तक आ जाएगा, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से MP बोर्ड में काम होता है तो दोस्तों जो आपका 10th क्लास का रिजल्ट है 25 जून तक आने की बिल्कुल भी यहाँ पर संभावना नहीं है।
दोस्तों जो आपका 10th क्लास का रिजल्ट है वो लगभग यहाँ पे 30 जून तक आएगा, उससे पहले आने की बिल्कुल भी यहाँ पे संभावना नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं जो आपका 12th क्लास का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में बताया कि जब तक यहाँ पे CBSE बोर्ड 12th क्लास का रिजल्ट किस तरीके से बनाया जा रहा है उसका यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आता, तब तक दोस्तों यहाँ पे MP बोर्ड भी यहाँ पे फाइनल फैसला नहीं लेगा कि जो आपका 12वीं का रिजल्ट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। और दोस्तों जो आपका CBSE बोर्ड क्लास 12 का जो फॉर्मूला है किस तरीके से आपका 12वीं का रिजल्ट बनेगा, ये दोस्तों यहाँ पे 17 जून तक आने की संभावना बताई जा रही है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपका बताया गया कि CBSE टू फाइनलाइज क्लास 12th मार्किंग क्राइटेरिया बाय 17 जून, यानी कि दोस्तों 17 जून तक आपका CBSE बोर्ड क्लास 12 का जो रिजल्ट है किस तरीके से बनेगा इसका यहाँ पे फाइनल फैसला हो सकता है। और जस्ट उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका MP बोर्ड का भी फाइनल फैसला हो जाएगा कि जो आपका 12वीं का रिजल्ट है किस तरीके से यहाँ पे बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो आपका 12वीं का रिजल्ट है आप मान के चलिए जुलाई के लास्ट वीक में ही आएगा, उससे पहले आने की बिल्कुल भी यहाँ पे संभावना नहीं है। और दोस्तों जैसे इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आपका MP बोर्ड 12th क्लास का रिजल्ट है वो किस तरीके से बनेगा तो दोस्तों इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आपको दोस्तों किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।